I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Hello friends, बात करते हैं कि अगर आपका मॉड्यूलर किचन है या नॉर्मल किचन है और आप चाहते हैं कि आपके घर में भी चिमनी लगी हो जो आपका पूरा भी जो किचन में आप काम कर रहे हैं उसको जितनी भी स्मेल है ऑयल है या जो कुछ भी है उसको निकाल के बाहर फेंक दे, आपके किचन में ऑयल इधर उधर फैले ना और आपके किचन का जो एटमॉस्फेयर है वो मेंटेन रहे। चिमनी के बहुत सारे फायदे होते हैं, बहुत लोग चिमनी नहीं लगाते हैं, उनके घर में अगर आप जाओ तो कुछ दिन बाद दीवारों पे चिपचिपापन आ जाता है, विंडोज पे आप देखेंगे तो आपको ऑयल नज़र आएगा, बट अगर आप चिमनी लगाते हैं तो बहुत आसानी के साथ ये जितना भी ऑयल है जो कुछ भी है जितनी भी एयर है उनको बाहर फेंक देता है, अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो बढ़िया बना रहता है और जो चिमनी के पास खड़ा हुआ है जो खाना बना रहा है या कोई चीज़ कुक है आपका उसको भी थोड़ा आराम रहता है, उसको गर्मी भी कम लगती है और बहुत ज़्यादा स्मेल आपके घर में नहीं आती है। अदरवाइज अगर आप कुछ तड़का लगा रहे हैं कुछ पका रहे हैं तो कोई बाहर से आएगा या आप भी अगर बाहर से आओ या घर में बैठे रहो तो पूरी स्मेल आपके घर भर में आ जाती है और आपको पॉल्यूशन जैसा फील होता है और आपको कई बार इरिटेशन होती है। तो चिमनी कई सारी कंपनीज की आती है, मैंने इलिका की इसलिए लगवाई है, मैं आपको बताता हूँ। इलिका एक ऐसा ब्रांड है चिमनी के मामले में जिनकी सर्विस भी बहुत अच्छी है और काफ़ी पॉपुलर है। अब जैसे ये जो चिमनी आप देख रहे हैं यहाँ पे इसकी जो सक्शन कैपेसिटी है वो 1200 से भी ज़्यादा है, इसीलिए आप कोई भी चिमनी लेने जाओ तो बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो सक्शन कैपेसिटी होता है कि कितना ज़्यादा कितनी पावरफुल इसकी मोटर है और कितना ज़्यादा ये सक करती है यहाँ के आपके ऑयल्स को या एयर को। तो यहाँ पे इसकी जो सक्शन कैपेसिटी है वो 1250 के आसपास है जो कि काफ़ी डिसेंट है। 800-900 हज़ार की सक्शन कैपेसिटी आपको नहीं लेनी है, कम से कम 1200 या उसके ऊपर जाना है, जिससे अगर आपका जो किचन है कोई चीज़ आप नॉनवेज बना रहे हैं, वैसे मैं नॉनवेज नहीं खाता, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा देगा ये। दूसरा, जब भी आप चिमनी लें किसी भी ब्रांड की लें, मैं तो इलिका की लगाया तो मैं इलिका की बता रहा हूँ, आप किसी भी ब्रांड में जाएं तो वहाँ पे जो ऑटो सेंसर आता है आप सेंसर लें जिससे आपको ऑन ऑफ करने में यहाँ पे बटन को टच ना करना पड़े। अदरवाइज आप किचन में कुछ कुक कर रहे हैं, आपके हाथ में कुछ लगा है और आपने यहाँ पे छू दिया, तो आप जब सेंसर लेंगे तो आपको टच करने की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ इशारे से हो जाता है, अदरवाइज आप टच करके भी काम कर सकते हैं। अब जैसे इस चिमनी की मैं बात करूं, इस समय इसमें पावर ऑन है, बहुत बेसिक सा ऑपरेशन है, बहुत आराम से ये काम करता है, पावर ऑन रखा गया है। अभी क्या है, यहां से मेन लाइन इसकी ऑन रखी गई है, ये हमेशा ऑन रहती है। अब जैसे मान लीजिए यहां पे कुछ आप कुक कर रहे हैं और आपको चिमनी ऑन करना है तो सिंपली एक बार आपको अपने हैंड को इस तरीके से लेफ्ट टू राइट करना है। अब आप देखो ये चिमनी ऑन हो चुकी है, यहाँ पे आपको 3 अलग अलग मोड मिलते हैं, फर्स्ट लाइट है, सेकेंड मीडियम है और थर्ड है हाई। अगर आप बहुत ज़्यादा नॉनवेज या कोई ऐसी चीज़ बना रहे हो जिसमें ऑयल बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप उसको 3 नंबर पे कर लो। अब जैसे ये एक है, एक बार और अगर ऐसे करेंगे, ये याद रखिएगा हाथ को पास में लेके जाना है ऐसे इस तरीके से, तो आप देखिए सेकेंड नंबर, अब सक्शन और तेज़ी से कर रही है। उसके बाद एक बार और करते हैं, थर्ड, ये हाई मोड है इसका, ये सबसे हाई कैपेसिटी पे इस समय काम कर रही है। यहाँ पे दो लाइट्स भी दी गई हैं जिससे नीचे बहुत डिसेंट सी लाइट आती है, आप खाना बना रहे हैं बाहर की लाइट नहीं भी जल रही तो भी यहाँ से आप काम कर सकते हैं। लाइट को आप, ये बटन है, यहाँ से इसको टच करके ऑफ भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे पावर ऑन ऑफ की बटन दी गई है, कहने का मतलब आप काम टच करके भी कर सकते हैं, लेकिन सेंसर होने का फ़ायदा ये है कि आपको इन चीज़ों में टच करने की ज़रूरत नहीं है, स्पीड को आप या ऑन ऑफ आप बहुत आराम से अपने हाथों से कर सकते हैं। अब अगर आपको इसको बंद करना है तो सिंपली आपको एक बार करना है और एक बार और फिर आपको राइट टू लेफ्ट करना है और ये चिमनी बंद हो जाएगी। फिर से आपको ऑन करना है तो आपको सिंपली फिर एक बार हाथ को लेफ्ट टू राइट करना है हैंड अपना और ये ऑन हो जाएगा। ये जेस्चर जो आपका कैच करता है, ये सेंसर बहुत काम का होता है,
मोशन सेंसर इसको बोलते हैं। तो मोशन सेंसर चिमनी में होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेनिफिट मिलते हैं। बहुत लोग मोशन सेंसर नहीं लेते, जिनका बजट कम रहता है, बट वो आगे प्रॉब्लम में जाते हैं, उनको बार बार यहाँ पे टच करना पड़ता है। यहाँ पे एक बटन भी दी गई है, ये बटन है, अगर आप इसको प्रेस कर देंगे 5 सेकेंड, तो उसके बाद ये चिमनी लगभग 15-20 मिनट के लिए अपना प्रोसेस करती है, और अंदर जितनी भी गंदगी है वो सब कुछ आ करके एक आयल कलेक्टर यहाँ पे ट्रे दी गई है, उसको हम अगर ऐसे बाहर की तरफ पुश करें तो ये बाहर निकल आती, इसमें सब कुछ आ जाता है। अभी इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम लोग ऑयल यूज ही नहीं करते हैं। हम लोगों का जितना भी यहाँ पे खाना या जो भी नाश्ता बनता है, हम लोग ओलिव ऑयल यूज करते हैं, तो उसमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती ही नहीं। अब इसको लगा दिया, ये आराम से यहाँ से खुल जाता है। आप इसकी नेट को भी साफ कर सकते हैं समय समय पे, और क्लीन कर लें तो आपको बहुत ज़्यादा सर्विस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हमने जब इसको लिया था तो इसके साथ हमने ये बर्नर भी लिया था, ये दोनों एक ही साथ पैक होके आए थे, बीच बीच में ऑफर चलते रहते हैं। अब जैसे अगर इसकी बात करें तो आप अमेजोन फ्लिपकार्ट पे जाएंगे तो ये चिमनी आपको लगभग 11,000 से लेके 13,000 के बीच मिलती है। ये डिपेंड करता है आपके पास कोई कार्ड ऑफर चल रहा है, कोई सेल चल रही है, कोई डिस्काउंट कंपनी दे रही या नहीं दे रही है। और अगर इसकी बात करें तो ये भी लगभग 4,000 से 5,000, 3,000 के आसपास वेरी करता है। मैंने जब लिया था तो मुझे ये दोनों लगभग 17,000 रुपये के आसपास पड़े थे, क्योंकि उस समय कोई डील नहीं चल रही थी, ऑफ टाइम था, बट चूंकि मुझे लगाना था यहाँ पे तो मैंने परचेज किया था। नॉइज बहुत कम है, बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं करती है कि आपको डिस्टर्बेंस, आपको सरदर्द हो जाए, तो ये इसके सारे फायदे हैं जिसका आप बेनिफिट उठा सकते हो, और अपने किचन को आप साफ रख सकते हो। यहाँ पे कोई ऑयल कहीं आसपास आपको दिखाई नहीं देगा, और किचन भी आपका जो इन्वायरमेंट है किचन का, वो प्लेजेंट रहता है, और आपको काम करने में भी यहाँ पे मज़ा आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत सारी अच्छी वीडियोज मिलती रहती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।